तो यार दोस्तों फाइनली मैंने एक गाड़ी ले ली। तो भाई काफी खूबसूरत सी है, तो इनोवा मैंने ले रखी है, तो बहुत खूबसूरत सी गाड़ी है। तो यार दोस्तों अभी गाड़ी का नंबर प्लेट आया नहीं है, तो ये हमारी गाड़ी रही। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पहलाग अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बीरबुड़थुआल देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज के व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी है हो रही है मॉर्निंग मॉर्निंग से, और भाई मॉर्निंग मॉर्निंग का नज़ारा बहुत खूबसूरत सा है, और रात भर भाई कंटिन्यू बारिश थी और अभी हल्की फुल्की बारिश रुकी हुई है, तो मौसम कुछ इस तरीके का है जो कि बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। तो यार दोस्तों आज की व्लॉगिंग की शुरुआत तो हो चुकी है और देखते हैं आज क्या रह पाता है भाई। घर पे आजकल डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, तो ऊपर वाले फ्लोर में तो अब डेंटिंग पेंटिंग का काम पूरा हो चुका है और नीचे वाले एरिया पे भी लगभग घर के चारों तरफ कंप्लीट हो चुका है। अब दरवाजों पे पेंट करना है और अंदर चल रहा है पेंटिंग का काम। ये यहाँ पे पेंटिंग चल रहा है। ओ कुछ नहीं किया तूने? छी छी, क्यों नहीं किया फिर तूने यार? ऐसा मत कर भाई, काम क्या करो। और यहाँ पे जो रैक बनाया था इसमें प्लास्टर हो गया है जबरदस्त तरीके से। तो यार भाई अब ड्यूटी है खाना बनाने की। क्या बनाया जाए दोस्त आज? हैं खिचड़ी बनाए? तो आज भाई खिचड़ी खाने का मन है इसका, खिचड़ी खाएगी कुल। चल ठीक है, अलग बना खाओ उन्हें की हुई यार यो। तो यार दोस्तों फाइनली मैंने एक गाड़ी ले ली, तो भाई काफी खूबसूरत सी है, तो इनोवा मैंने ले रखी है, तो बहुत खूबसूरत सी गाड़ी है। तो यार दोस्तों अभी गाड़ी का नंबर प्लेट आया नहीं है, तो ये हमारी गाड़ी रही, तो बहुत खूबसूरत है। तो ये गाड़ी मुझे गिफ्ट किया है हमारे भांजे नैतिक ने, ना मामू? गाड़ी किसने गिफ्ट किया? नैतिक ने ना? तो यार भैया ये गाड़ी फाइनली हमें नैतिक मामू ने गिफ्ट की है, तो भाई बहुत ही खूबसूरत सा है। तो ये देखे भाई, इसकी खिड़कियां भी खुलती है और छत भी है भाई, इसकी सनरूफ वाली गाड़ी है। तो नैतिक ने मामू ने मुझे गिफ्ट किया है ना कालू? अच्छा क्यों कहो, क्यों कहो कालिया कल्लू? नैतिक ने गाड़ी खिलाई है मुझे, खिलाई सब नैतिक ने गाड़ी गिफ्ट किया है, देख भाई नैतिक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यार भाई सफाई करने के दौरान देखो मुझे सन 47 की एक मस्त चुटकुले वाली कहानी की किताब मिली है, नाम है गुरु चेला मनोरंजन का खजाना। तो भाई पहले कुछ ऐसी किताबें भी चला करती थी, अब तो ये विलुप्त की कगार पे हैं। ये देखो क्या क्या लिखा पता नहीं, अच्छा। तो भैया गुरु चेला किताब में सुपरहिट शायरियां भी हैं, तो एक शायरी गीता के लिए हो जाए। होठों की हंसी देख ली अंदर नहीं देखा, वाह 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 वाह, होठों की हंसी देख ली अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। यार ये तो खटारा वाला हो गया। तो भाई गीता के लिए एक सुपरहिट शायरी, न गिला करता हूँ न सिकवा करता हूँ, तू सलामत रहे बस यही दुआ करता हूँ, इससे भी मजा नहीं आया। तो दोस्तों अभी है शाम का समय और भाई आज दिन भर कंटिन्यू बारिश थी, तो हमारे घर नैतिक लोग आए थे वो भी अभी चले गए हैं, और शाम हो चुकी है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, और चारों तरफ भाई बादल आने लग गया। ये देखो भाई बादल के आगोश में पूरा पूरे पहाड़ पूरे खेत पूरा गांव लगभग अब डूबने ही वाला है। तो यार दोस्तों अब शाम भी होने वाली है, तो बूंदाबांदी भी हो रही है और ठंड भी और बढ़ती जा रही है। दो दिन धूप आई थी तो काफ़ी ज़बरदस्त वाला वो हुआ था, गर्मी आने लग गई थी, तो अब फिर से भाई जैकेट निकल गए हैं। तो नज़ारा देखो भाई शाम का बहुत खूबसूरत बेहतरीन सा हो रखा है। तो दोस्तों फाइनली रात भी हो चुकी है और आज भाई कंटिन्यू दिन भर बारिश ही बारिश थी, और आज हमने इस वाले हॉल पे पेंटिंग पेंटिंग का काम किया, और अब डेंटिंग पेंटिंग का काम करने के भाई बाद भाई बहुत खूबसूरत सा अभी लगने लगा है। तो पिताजी यहाँ पे मस्त करके ठंडियों में आग का मजा ले रहे हैं और साथ ही में मजा ले रहे हैं न्यूज़ चैनल का। और कल इस वाले कमरे और इस वाले कमरे के ऑपरेशन की बारी है, और गीता का यहाँ पे चल रहा है खाना बनाने का काम, और साथ में देख रही है क्या क्या देख रही है? टीवी नहीं, क्राइम पेट्रोल। तो साथ में क्राइम पेट्रोल देख रही है भाई, झूठ की बोल रही है। कब बोला झूठ?
क्या सबूत है आपके पास? ये है सबूत, ये सबूत है, ये प्राइम पेट्रोल से अच्छा आप सबूत मांगना यार, ये बो है क्राइम पेट्रोल देख देख के सबूत कम कम मांग भाई। और आज भाई मडवे और गेहूं की रोटी बन गई और साथ में कद्दू की सब्जी जो कि भाई बहुत लजीज लजीज होने वाली है। तो यार दोस्तों फटाफट से खाना बना लेते हैं, फिर खाने के बाद आगे की बात करते हैं भाई। तो यार दोस्तों खाना खा के अभी मैं अपने रूम पे आ गया हूँ और अब करते हैं भैया आराम, क्योंकि आज भाई बहुत ही भयंकर ठंडा हो रहा है। और गीता का काम चल रहा है यहाँ पे खिड़की पे पर्दा लगाने का, क्योंकि अभी हमने डेंटिंग पेंटिंग करवा रखी थी, पूरे मकान में करवाया था, तो कमरा कुछ अभी इस तरीके के हालात पे है। और यहाँ पे गीता अभी खिड़की पे पर्दा लगा रही है, क्योंकि खिड़की में भी हमने क्या किया था दोस्त, पेंट किया था। और गीता की सज्जा सजावट देखो भाई, कितना मस्त खूबसूरत तरीके से सजा रखा है ना। और ऊपर से झूमर भी लगाया है, देखिए देखो ये किसने सजाया, फिर कहाँ सजा रखा है, मैंने तो सजाया ना खाली टेम्परेरी ऐसा भी आपने बनाया था दिल्ली, ये दीदी ने और मैंने मिलके बनाया था वाला, ये देखा आपका वीर भाई इतना कलाकार भी है। तो दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को एंड, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल। बाय दोस्तों।